TV UK talk show, London Dialogue and Discourse, every Tuesday night, 7 PM UK time. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. आज हम बातचीत करेंगे सिंधु देश यूके टॉक शो का आज का मौजू है पाकिस्तान में सिंधु देश एक अलग रियासत बनने की बातचीत कई दहाइयों से हो रही है। इसकी आवाज़ बकायदा तौर पर जनाब जीएम सैयद साहब ने बुलंद की। जीएम सैयद वो तारीखी हस्ती हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने की हमायत की थी और पाकिस्तान के बनने के अमल में अपना हिस्सा डाला था, लेकिन बाद में पाकिस्तान बन जाने के बाद उनको एहसास हुआ कि जिस तरह की रियासत वो देखना चाहते थे वो नहीं बनी। फिर उन्होंने उस रियासत की मुखालफत शुरू की और अपने सिंधु देश का नारा लगाया। हज़ारों लाखों सिंधी कौम परस्त उनकी आवाज़ पर लबैक कहने लगे। आज भी सोशल मीडिया पर जीएम सैयद के हवाले से बहुत सारे बैनर, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स देखे और पढ़े जा सकते हैं। उनमें एक बैनर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस बैनर में जीएम सैयद साहब के सपोर्टर्स कहते हैं, जीएम सैयद की तरफ से ये मैसेज देते हैं, सिंधीज हैव अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस बाय देयर ओन स्टेटस एज अ नेशन। जीएम सैयद साहब का सिंधियों के लिए ये पैगाम है कि सिंधी अपने फैसले खुद कर सकते हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है? सिंध की धरती में हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तादाद हुआ करती थी। उन पर जो जबरी तशद्दुद हुए, प्रोसिक्यूशन हुई, फोर्स कन्वर्जन्स ऑफ सिंधी हिंदू गर्ल्स का जो मामला हुआ और अभी तक चल रहा है, डेली बेसिस पे चल रहा है, उनकी तादाद बहुत कम हो गई। और मैं यहाँ पर एक वीडियो क्लिप अभी भी आपके साथ शेयर करता हूँ डॉक्टर देवी का, जिसमें वो कहती हैं कि उनकी हैसियत क्या है सिंध में। देखिए और सुनिए। प्रोफेसर डॉक्टर भगवान देवी, अब लाड़कानों की रहवासी, आपसे पुरजोर अपील कर रही हूँ कि एहसास से महरूमी, लाकानूनियत और बद इंतजामी ने लाड़काना में अपनी जड़ें मजबूती से गाड़ ली हैं। मैं चीफ जस्टिस साहब और उसके साथ दुनिया के 205 मुल्कों से मदद की अपील करती हूँ। तफसीलन एंटी लैंड माफिया की तरफ से आज 14 दिन मुसलसल एहतजाज करते हुए लाड़काना प्रेस क्लब के सामने आज ही से साथियों के सामने बात करते हुए मैंने और मेरे शोहर डॉक्टर भगवान दास, जो पीडियाट्रिशियन है, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एहसास महरूमी, दुनिया की सबसे बड़ी लाकानूनियत बद इंतजामी लैंड माफिया की तरफ से कब्जा खोरी शहीदानी के शहर लाड़काने में इंतहाई अरूज पर पहुंची हुई साफियों से दरख्वास्त की है कि लैंड माफिया वाले सिंधी हिंदुओं की मलकियतों को छीनने के लिए झूठे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर हथियारों के जोर पर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, इनके धनों पर कब्जा करके इनको चुप रहने की धमकियां दे रहे हैं। लाड़काना के कितने ही हिंदू अपनी मलकियतों को बेचकर जाने के लिए तैयार बैठे हैं, जो अपनी जमीन को छोड़ के रो के दूसरे मुल्कों को जा रहे हैं, क्योंकि सिंधी हिंदुओं के लिए जमीन तंग कर दी गई है। सिंधी कौम पर सिर्फ खामोश हैं और अखबारों में बयान दे रहे हैं कि सिंध छोड़कर न जाओ बल्कि लड़ो, झगड़ो, झगड़ा करो। हमने इन कौम परस्तों से पूछना है कि आप क्यों खामोश हो? मकामी सिंधी और हिंदू सिंधियों के लिए रेड इंडियन जैसी हालतें पैदा की गई हैं। अभी लाड़काने में हम लोग डॉक्टर भगवान देवी एंड डॉक्टर भगवान दास की झूठी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर 48.4 एकड़ जमीन पर कब्जा करके प्लाटों की सूरत में बेचा जा रहा है। डॉक्टर देवी सिंधी कौम परस्तों से भी पूछती हैं
उनके लिए एक सवाल उठाती हैं कि वो क्यों उनके साथ खड़े नहीं। उनके बकौल उनका ये कहना है कि सिंधी कौम प्रेस उनको ये कहते हैं कि घबराओ नहीं, डरो नहीं, पाकिस्तान को छोड़कर भारत जाओ नहीं, हम इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे। ये है उनके मुताबिक सिंधी कौम प्रस्तों का मौकफ। अब जो सिंधी चले गए भारत और भारत के नेशनल एंथम में सिंध का नाम यूं आता है जैसे सिंध अभी भी भारत का हिस्सा हो। भारत में रहने वाले सिंधी अपने सिंध के उस तहजीबी विरसे को कैसे लेते हैं? भारत से ANI की कर्टसी के साथ एक छोटा सा वीडियो क्लिप देखिए। This year we felt that the focus of Partition Remembrance Day should be on the Sindh community because they had a very unique and different experience of partition than the Punjabis and the Bengalis because they lost their entire homeland. जो लोग बंटवारे के बाद पंजाबी सिंधी अपने घर उनके घर बिछड़ गए, वो सब छोड़ के जो यहाँ आना पड़ा उन्हें, तो उनकी यादाश्त में, उनकी मेमोरी में, उनके लिए ट्रिब्यूट के लिए ये म्यूजियम बनाया गया। और मैं दाद देता हूँ जिन लोगों ने ये म्यूजियम हमें यहाँ पर बना के रखा है अमृतसर में, ताकि हम कभी भूल ना पाएं कि हम कहाँ से आए थे। भारत में इस कौमी तराने में, नेशनल एंथम में सिंध अभी भी उनका हिस्सा है। इधर सिंधु देश की बात भी है और पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और MQM के जो पाकिस्तानी धड़े हैं, वो सिंध को पाकिस्तान का इंटेग्रल पार्ट ही देखना चाहते हैं। ये एक तरह से रस्साकशी है और किस तरह सूरत हाल जाएगी, जाहिर है इसका दारो मदार पाकिस्तान के जो इंटरनल हालात हैं उनके मुताबिक है। अगर पाकिस्तान में इंटरनली तमाम कम्यूनिटियों को, तमाम रिलीजियस और एथनिक कम्यूनिटीज़ को उनके हकूक मिले और पाकिस्तान के इर्द गिर्द के मुल्कों को कोई शिकायत ना हो पाकिस्तान की तरफ से, ना अफगानिस्तान को, ना भारत को, ना ईरान को प्रॉक्सी टेररिज्म की, तो शायद सिंधु देश बनने की बात भी ना हो। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि वहाँ पर जो मासूम हिंदू, गरीब हिंदू ख़ासतौर पर जो हैं, उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया जा रहा है, उनकी बच्चियों के साथ जुल्म होता है, रेप होता है, उनको उठा के ले जाते हैं, फोर्सफुल उनकी मैरिजेस होती हैं, फोर्सफुल कन्वर्जन्स होती हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल और दीगर इदारों की इतलात के मुताबिक जो रिपोर्टेड केस हैं, जो अनरिपोर्टेड केस की नस्बत बहुत कम हैं, उनके मुताबिक हर रोज़ ऐसे 3 वाकयात ऑन एन एवरेज होते हैं। और कन्वर्जन की सूरत हाल क्या है, इस पर एक सोशल मीडिया पर वायरल किया जाने वाला वीडियो क्लिप मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम ये ठट्ठा में हैं, ये सिंध का इलाका है, इधर अल्हम्दुलिल्लाह ये 87 ख़ानदान हैं, ये हिंदू लोग हैं, ये मुसलमान होना चाहते हैं, कहते हैं हमें तलीम भी दें, हमारे साथ तावन भी करें, हम पक्के मुसलमान हो जाएंगे। कितने खानदान है इधर सर? यहाँ पे जो टोटल घर बने हैं ना 87 हैं, 87 और 5000 हो जाएंगे सारे कुल बंदे, छोटे बड़े से 5000 से थोड़ा, छोटे बड़े डाल के सारे ना ये 5000 लोग हैं जो कि मुसलमान होना चाहते हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला इनके साथ तामन किया जाए ना, ये लोग बहुत अच्छे मुसलमान बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ये इनके घर वगैरह हैं, ये इनके इस तरह सारे घर हैं, थोड़ा सा रास्ता ये इधर रहते हैं ठट्ठा में, इस तरह ये पूरी वो उधर एंड तक आखिर तक ना ये इनकी बस्ती है, ये सब ये हिंदू हैं और ये मुसलमान होना चाहते हैं, तो इधर से भी ये भी सारे ये बहुत ये 87 घर हैं और हजारों में लोग हैं ना, तो ये अल्लाह में दुनिया आखिर में कामयाब करेगा अगर ये हम इनको दोजख की आग से बचा लें, ठीक है ना, ये भी जन्नत में जाना चाहते हैं ना, ये नबियों वाला काम है, सबकी मदद होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला ये नमाज भी सीखेंगे,
ये हमारे दीन पे भी चलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम। सिंधु देश बनाने की बातें अपनी जगह पर, मगर ग्राउंड रियलिटीज ये हैं जो हम देख और सुन रहे हैं। गरीब गुरबा का क्या हाल है, वो कन्वर्ट हो रहे हैं। आपने वीडियो देखा, एक ऐसा ही मुख्तसर सा वीडियो जिसमें आपको उनकी आहों का अंदाज़ा होगा। शहरी सिंधी इलाकों की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत MQM के बानी और रहनुमा जनाब अल्ताफ हुसैन, जो एक तरह से एग्ज़ाइल में ही लंदन बैठे हुए हैं, उन्होंने अब ये कहना शुरू किया कुछ अरसे से कि वो अब सिंधु देश की इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। कभी कभी वो जनापुर की एक अलग रियासत की बात किया करते थे, मगर अब वो सिंधी कौम प्रस्तों के साथ इस पेज पर हैं कि एक अलग से सिंधु देश बनेगा जिसमें मुहाजर और सिंधी स्टेक होल्डर होंगे और उसमें जो भी रहना चाहेगा वो रहेगा। आप अल्ताफ हुसैन साहब का पैगाम उन्हीं के वीडियो क्लिप में देखिए। We want justice. We want peaceful separation from Pakistan. If you don't give us, we demand to the United Nations. United Nations, we demand. The people of Sindh demand to the United Nations Secretary General of the United Nations that we want freedom, complete autonomous sovereign separation to establish Sindhu Desh. We want peaceful separation from Pakistan and we want to make Sindhu Desh. ये है रीसेंट सिचुएशन अल्ताफ हुसैन साहब का, जो एक रीसेंट बयान है उसमें उन्होंने बात वाज़े कर दी कि वो सिंधु देश के साथ जाएंगे। पाकिस्तान में एथनिक नेशनैलिटीज़ का रिवोल्ट हमेशा देखने और सुनने को मिलता है। बलोचों की जो जद्दोजहद है वो आपके सामने है, सिंधु देश का नारा आपके सामने है। पख्तूनस्तान में जो अलग देश बनाने की बात पख्तूनस्तान के लोग करते हैं, उसकी बुनियाद वो ये लेते हैं कि हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता। यही एहतजाज बाकी कौमियतों का है, हत्ता के पंजाबियों के साथ चलने वाले महाजरों ने भी इस बात से किनारा कशी अख्तियार कर ली और अब अल्ताफ हुसैन भी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। सिंधु देश मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इसकी जो बात हुई वो सबसे पुरानी है और सबसे अहम है। मेरे साथ इस वक्त GS सिंध मुतहदा महाज के चेयरमैन जनाब शफी बुरफात साहब जर्मनी से वीडियो लाइन पर मौजूद हैं और रूह रवा हैं इस तहरीक के। इनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह ये तहरीक आगे चल रही है, इनके साथ साथ कौन सारे स्टेक होल्डर इनके साथ हैं। मैं खुशामदेद कहता हूं जनाब शफी बुरफात साहब को। वेलकम शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत ही सेंसिटिव मामला है, लेकिन आपकी स्ट्रगल बड़ी जेन्युइन और लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। GS सिंध मुतहदा महाज को मैं यहाँ से बातचीत शुरू करता हूँ, पाकिस्तान में बैन किया हुआ है, आपको भी रेड बुक में उन्होंने शामिल किया हुआ है, तो आखिर आपने क्या ऐसी बात की, क्या गैर जमहूरी गैर आइनी बात की कि वो आपके साथ इस तरह का सलूक करने पर तैयार हुए? जी भाई मेहरबानी,
सबसे पहले जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको जीएसएन, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी रियासत जो गैरफितरी है, जो नज़रियाती हवाले से आइडियोलॉजिकली एक फाशिस्ट रियासत है, जालसाजी पर मुबनी, एक धोखे और फरेब पर मुबनी, वहाँ पर अगर कोई कौम अपने कौमी आज़ादी या कौमी हुकूक के लिए बात करेगी, वहाँ कोई डेमोक्रेटिक फोर्सेस अगर जमहूरियत की बात करेंगे, या हिस्टोरिकली अगर हम जो सेकुलर हमारी पूरी तारीख रही है खुसूसन सिंध की, तो इस तरह की अगर कोई बात करेगा तो वो पाकिस्तान में एक किस्म की ममनुआ जो है वो बातें समझी जाती हैं। और जीएसएन मुतहदा महास, मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्ट्रगल है, हमारी जो जदोजहद है, वो साईं जीएम सैयद की फिक्री रहबरी से हम रिलेटेड हैं, और सबसे पहले साईं जीएम सैयद थे जिन्होंने पाकिस्तान के इस यानी मज़लूम कौमों का जो ये कैद खाना था उसके खिलाफ आइडियोलॉजिकली जो नुक्ते नज़र दिया वो साईं जीएम सैयद ने दिया था। अब मौजूदा हालात में अगर हम देखते हैं या पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री को अगर हम देखते हैं और किस तरह ये डिवीज़न हुई, भारत किस तरह दो हिस्सों में तकसीम किया गया, उस वक़्त के जो हालात थे वो क्या थे, और उन हालात में खुसूसन पंजाबी नेशन का, कौम का जो किरदार था वो क्या था, वो आज तक चला आ रहा है। और बहैसियत नेशन मैं आपसे माजरत चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि पंजाबी एक फाशिस्ट और गैर महजब कौम है जिन्होंने पाकिस्तान के नाम पर जो तारीखी कौमें हैं उनको बदतरीन गुलामी और जिल्लत का शिकार बनाया हुआ है। हम तारीखी कौमों के ऊपर सियासी जबर है, हमारा मुआशी इस्तेहसाल हो रहा है, हमें माले गनीमत समझकर सिंध को, बलूचिस्तान को लूटा जा रहा है, कौमों की नस्ल कशी हो रही है यहाँ पर। यानी एक तरफ कहते हैं कि मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मुस्लिम कौमियत की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया है, लेकिन आपको पता है कि 71 में किस तरह लाखों की तादाद में उन मुसलमान बंगालियों को इस फाशिस्ट, बदमाश और दहशतगर्द पंजाबी फौज ने उनका कत्लेआम किया। और उस फाशिस्ट फौज को मैं ये पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ कि बहैसियत नेशन पंजाबी कौम अपने इस फाशिस्ट आर्मी को हीरो समझती है, यानी अपने उस बदमाश फौज को, कातिल फौज को जो कौमों की नस्ल कशी करती है, उनको अगर बहैसियत मजमुई पंजाबी अपनी यानी हीरो कौम समझती है फौज और ढोल सिपाया समझती है, मैं समझता हूँ कि ये तारीख की यानी एक बहुत बड़ी दुख और अफसोस की बात है कि बहैसियत नेशन ये लोग जो है वो नहीं सुधरे हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि पंजाबी वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, यानी यूरोप के अंदर यूरोप की डेमोक्रेसी से वाकिफ हैं, अमेरिका में बैठे हुए हैं, कैनेडा में बैठे हुए हैं, बरतानिया में लाखों की तादाद में हैं, जो जिनका आना जाना भी पाकिस्तान में है, लेकिन वहाँ पर ये जमहूरी कुव्वतों के साथ नहीं खड़े होते, वहाँ ये हर सूरत में अपनी फौज के साथ खड़े हैं। इसलिए मैं अपने उसको बहस को इस तरफ लाता हूँ कि हम बदतरीन गुलामी और जिल्लत का शिकार हैं। साईं जीएम सैयद ने 71 के बाद 71 में ये फैसला किया कि जो अक्सरियत को कबूल नहीं करते बंगाल को, और 30 लाख के करीब उनके लोगों को शहीद किया गया, अब इस पाकिस्तान में, अब इस पंजाबी बदमाश फौज के साथ इस पाकिस्तानी और पंजाबी जो लैंड लॉक एक नेशन है उनके साथ हम नहीं रह सकते। आइडियोलॉजिकली, तारीखी हवाले से हम एक अलहदा कौम हैं।
सिंधी हम एक अलहदा कौम है, लेकिन जिस धोखे और फरेब में और उस वक्त की हालात ऐसे थे, क्योंकि कहा जाता है कि भाई साईं जीएम सैयद ने तो करारदाद पास की थी, वो करारदाद इस पाकिस्तान के लिए नहीं थी। वो करारदाद में साईं जीएम सैयद को मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, उनके किताबों में लिखा हुआ है, साईं जीएम सैयद ने कहा कि एज अ होल सब कॉन्टिनेंट की जो सियासी सूरत हाल है वो इस डगर और इस नहज पर पहुंच चुकी है कि अब अगर हम सिंधु देश की आज़ादी की और कौमी अगर आज़ादी की बात करें तो कोई सुनेगा नहीं। इसलिए कौमी आज़ादी के लिए पहले स्टेप के तौर पर जो मुस्लिम अक्सरियत वाली जो आबादियां और कौम हैं उनको 40 की करारदाद में स्टेट्स का लफ्ज है कि वो कौमें जस्ट एक खुद मुख्तार कौमें होंगी और वो पहला मरहला होगा उन कौमों के, तारीखी कौमों के आज़ादी के लिए। लेकिन पंजाब ने वो 40 की करारदाद 46 में जब उसको तब्दील किया, और ये भी रिकॉर्ड पर रहे कि साईं जीएम सैयद ने 1946 में जब महसूस किया कि ये तो जबर की बुनियाद पर एक रियासत बन रही है, साईं जीएम सैयद ने इख्तलाफ रखा था। 46 में साईं जीएम सैयद ने इख्तलाफ रखा था। इसलिए ये कहना कि साईं जीएम सैयद ने पाकिस्तान बनाया, नहीं बनाया था, उन हालात की तकाजा ये थी कि हम स्टेप बाय स्टेप अगर कौमों को आज़ादी की तरफ ले जाते हैं, तो ये था आइडिया साईं जीएम सैयद का। लेकिन पंजाब जो एक लैंड लॉक नेशन है वो जबरी इलहाक है पाकिस्तान। अब 71 के बाद मैं समझता हूँ कि कोई इखलाकी सियासी तारीखी जवाब नहीं है कि 71 के बाद भी पाकिस्तान को बाकी रहना चाहिए। होना तो ये चाहिए था कि जब बंगालियों ने ये फैसला किया, अक्सरियती आबादी ने ये फैसला किया कि बाबा हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, तो सब कौमों को मिलकर टेबल पर ये बैठना था कि बाबा अगर नहीं रहते तो चलो एक दूसरे को खुदा हाफिज कहते हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान में पंजाब की आबादी, पंजाब की जो यानी अभी भी पाकिस्तान का बजट जो है उसमें 80% के करीब सिंध देता है और वफाक को पंजाब क्या देता है, 25% वो जो शेयर वफाक को देता है, लेता कितना है 55%। तो जो 80% सिंध देता है उसको ये 20-22% जो है वो देते हैं, उसमें भी रेंजर्स का हिस्सा निकालते हैं, उसमें भी अमन अमान के नाम पर फौज जो है वो हड़प करती है, और जो भी थोड़ा बहुत मिलता है वो भी अपना तयशुदा जो थोड़ा बहुत है उससे भी कम देते हैं। इसलिए हम बहैसियत नेशन सियासी जबर का शिकार हैं, मुआशी इस्तेहसाल का शिकार हैं, हमारी तारीख को मसख किया जा रहा है, और ये महाराजा डाहर जो हमारे कौमी हीरो हैं उसकी जगह एक गासिब और लुटेरे मोहम्मद बिन कासिम को वो हीरो बनाकर पेश करते हैं, क्योंकि ये सूट करता है रियासत की आइडियोलॉजी को। और मैं अब ये पूरे पाकिस्तान और खुद पंजाबी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो भी सुने कि इस वक्त पाकिस्तान की अशराफिया, पाकिस्तान की फौजी ब्यूरोक्रेसी ये अपने काबे को तब्दील कर रहे हैं। और आप याद रखें कि अब मोहम्मद बिन कासिम इनका हीरो नहीं रहेगा, अब वो जो गाजी क्या है जो तुर्की का जो ड्रामा दिखा रहे हैं जी, गोल पता नहीं क्या कहते हैं, अब ये अपना काबा तब्दील कर रहे हैं, अब इनको अरब इस्लाम नहीं तुर्की का इस्लाम चाहिए। और अब ये तो ये इन्होंने मजाक बना रखा है, कौमों के ऊपर इन्होंने फासिज्म बरपा कर रखा है, बर्बरियत बरपा कर रखी है। सिंध राजी नहीं है, बलोच राजी नहीं है, पश्तूनों का कत्लेआम हो रहा है, गिलगित और बल्तिस्तान जो है वो कहते हैं कि हम बाबा हिंदुस्तान का हिस्सा है, हम पाकिस्तान नहीं है। तो इसलिए जब साईं जीएम सैयद ने तारीखी हकायक को सामने रखते हुए सिंधु देश की आज़ादी की बात की और बुनियाद पड़ा 71 में जीएसएन महास का, उसके बाद जीएसएन कौमी महास, और मैंने तलबा तंजीम से अपनी सियासत की शुरुआत की, और 2000 में जीएसएन मुतहदा महास हम लोगों ने बनाई। उससे पहले जीएसएन कौमी महास थी शहीद बशीर खान कुरैशी, अब्दुल वाहिद आरी सर और हमारे जो बड़े बड़े रहनुमा थे वो थे। तो
हमने जब पार्टी बनाई तो 2000 के बाद हमारे यानी 2-3 साल के बाद जो है पार्टी के ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी, बैन की जीएसएन मुत्तहिदा महाद को, इसलिए के ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी क़यादत संजीदगी से सिंधु देश की आज़ादी के लिए बात करे, कोई भी पार्टी अपने इदारों को मजबूत करे, अपने नुक्ते नज़र को मैच्योर करे, डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल जो कुवतें हैं उनको कोई अपील करे, उनकी तरफ कोई रुजू करे, ये इस चीज़ों से इन चीज़ों से खायफ होते हैं। और मैं समझता हूँ कि 2010 में सैलाब आया था, उस वक़्त मैंने एक ख़त लिखा था इंटरनेशनल कुवतों को, उससे पहले भी मैं खतूत लिखता रहा हूँ, नेटो के खिलाफ जो इन्होंने ISI ने शिकारपुर में मुलाओं को जो है वो उनकी मार्फत जो नेटो की जा रही थी सप्लाई जो जा रही थी अफगानिस्तान, उनको जलाया था, कंटेनर्स को जलाया था, हमने उनके खिलाफ भी स्टैंड लिया नेटो की हिमायत में, हमने उस वक़्त अमेरिका को खतूत लिखे, हमने आलमी जो कुवतें उनको खतूत लिखे। तो पाकिस्तान, उसकी आर्मी, उसकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, उन्होंने समझा कि ये तो संजीदगी से सिंधु देश की आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहा है, लिहाजा उन्होंने हमारी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई, हमारे लोगों को उठाया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको जो है गोलियां मारकर मशक शुदा लाशों की जो शुरुआत थी वो सिंध में, बलोचिस्तान के बाद सिंध में जो है वो जीए सिंध मुत्तहिदा महाज के लीडरशिप को, कारकुनान को उन्होंने शहीद करके हमारी लाशों को, लड़कों के दोस्तों के लाशों को सड़कों पर फेंका गया। मुजफ्फर भुट्टो शहीद एक बड़ा मशहूर केस है। उसके बाद शहीद सराय कुर्बान खावड़, शहीद रूपलो चोलियाणी, नूरुल्ला तुनियो, इनको जिंदा जलाया गया सांगड़ में, यानी आर्मी की गाड़ी आती है, गोलियां चलाती है, वो जख्मी हालत में है, वहाँ के लोकल लोग आके खड़े होते हैं कि वो अंदर गाड़ी में जो है वो हिल रहे हैं, उनके ऊपर जो है केमिकल डालकर उनको जिंदा जलाया जाता है। देखिए सूरत हाल तो बड़ी गंभीर है, फाशिस्ट और बदतरीन गुलामी को हम झेल रहे हैं। सूरत हाल तो शबी साहब वाकई बड़ी गंभीर है। आपने तारीख के कुछ औराक पलटे, दुरुस्त है कि जो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, जो रहनुमा होते हैं, वो इवॉल्व होते हैं, मगर ये भी एक रियलिटी है तारीख की कि पाकिस्तान बनने की पंजाब में कोई इतनी ज़्यादा ख्वाहिश नहीं थी, ये UP और CP के नवाबों की ख्वाहिश थी और बरतानिया की ख्वाहिश थी कि इस खत्ते को बांटा जाए, और उसमें बदकिस्मती से उस वक्त बंगालियों ने भी साथ दिया और GM सैयद साहब ने अपनी स्ट्रेटजी के तहत ज़रूर सोचा, मगर मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आती कि हिंदुस्तान जो कई कौमों का मजमुआ था उसको दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर कैसे GM सैयद साहब ने सपोर्ट किया। जी देखिए, मैं पहले तो ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि बुनियादी तौर पर जब ये तो एक अंग्रेज़ों की साजिश थी, और होना ये चाहिए था कि जब अंग्रेज़ जा रहे थे तो सब कॉन्टिनेंट की जो क़यादत है, पॉलिटिकल क़यादत है, लीडरशिप है, उनको बैठना था और जो भी कौमें हैं उन कौमों का सियासी मसला हल करना था, और यूनाइटेड नेशंस ऑफ इंडिया जैसे यूरोप में हम अभी बैठे हुए, इस तरह की एक पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजी थी, जो 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 हल था वो हल जो रखा जाना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके अंग्रेज़ों के दो जो है वो मफादात थे। नंबर एक के पाकिस्तान इस तरह एक मुल्क बनाया जाए कि सोवियत यूनियन को और उस वक़्त जो कम्युनिस्ट जो रियासत थी वो समंदर तक गर्म पानियों तक न आ सके, लिहाजा इस्लाम के नाम पर, मजहब के नाम पर पाकिस्तान बनाकर इस चीज़ को उन्होंने ब्लॉक किया। उससे भी बड़ी बात गौरा साहब, उससे भी बड़ी बात ये थी कि बर सगीर में आज़ादी की मूवमेंट थी, तहरीकें चल रही थी, वो तहरीकें लाजमी तौर पर, फितरी तौर पर अंग्रेज़ों की मुखालिफ थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ जज्बात थे लोगों की, नफरत थी कि 200 साल तुम लोगों ने हमें गुलाम किया है। तो अब उस नफरत के दौरान, जदोजहद के नतीजे के दौरान अगर अंग्रेज जाते तो बड़े पैमाने पर बरे सगीर के लोग अंग्रेजों को काट के और मार के जो भेजते,
कोई अंग्रेज में नहीं समझता कि इतनी बड़ी तादाद में जिंदा जो है वो वापस बरतानिया जाता। लिहाजा अंग्रेजों ने क्या किया कि वो जो नफरत थी अंग्रेजों के खिलाफ, वो नफरत इन्होंने हिंदू मुसलमान के बुनियाद पर मकामी आबादी को एक दूसरे के खिलाफ भड़का कर, वो जो 10 लाख के करीब जो लोग मारे गए वो तो अंग्रेजों को मरना था ना, तो ये बड़ी साजिश थी जो हम लोगों ने नहीं समझी। और मैं तो इस तरह समझता हूं कि जना एक पट्टू का किरदार जना ने अदा किया, दलाल था अंग्रेजों का, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का किरदार भी कोई पॉजिटिव नहीं था। उनकी कयादत में भी वो भी दूर अंदेश नहीं थे, उनका भी याराना था अंग्रेजों से, याराना था। ये कोई होता है क्या? अगर आप यानी तकसीम को आजादी समझना, ये तो कांग्रेस ने भी तकसीम बरे सगीर हिंदुस्तान की तकसीम को अगर कोई आजादी समझता है तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी गुमराही और धोखा और खुद फरेबी और कोई नहीं है। तो सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं, जना के दलाली वाले वाला जो किरदार था, महज दलाली होती तो बरे सगीर तकसीम नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने कंप्रोमाइज किया। बरे सगीर हिंदुस्तान की आजादी में मेरा मौकफ यह है कि कंप्रोमाइज हो गई, क्योंकि वहां भी उनको भी इक्तदार चाहिए था और यहां ये साजिशी इन्होंने। तो लिहाजा जो मैं इसके स्वाब को मैं बताता हूं कि 47 में जो कहते हैं भाई दो कौमी नजरिया, मुसलमान अलग कौम है हिंदू अलग कौम है, मेरे भाइयों ये तजुर्बा बंगाल में अंग्रेजों ने बंगाल हिंदू बंगाल और मुस्लिम बंगाल को डिवाइड करने की, दो हिस्सों में तकसीम करने की 1905 में ये फैसला किया था, लेकिन वो कामयाब नहीं गए। वो फैसला अंग्रेजों को 11 में वापस लेना पड़ा। यानी इसका मतलब क्या है कि अंग्रेज रिहर्सल कर रहे थे कि इनको हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर तकसीम करें। बंगाल के सियासी शऊर ने, बंगाल के नेशनलिज्म ने, बंगाल के जो शायर अदीब और वहां के जो कौमी रहनुमा, उन्होंने इस साजिश को रद्द कर दिया। दोबारा इस साजिश को अंग्रेजों को मैच्योर करना पड़ा और 11 के बाद 47 तक ये अंदरूनी तौर पर साजिश होती रही। अब ये जो 1905 में अगर तकसीम होती है तो 1906 में अचानक मुस्लिम लीग कैसे बनी मेरे भाई? उन्होंने कहा कि ये फैसला हमने जल्दबाजी में लिया है, इसलिए मुसलमानों को आगे करो, उनकी जमात बनाओ, उसके बिहार पे एक नफरत का बीज जो है वो। और दूसरी बात मैं आपको कहूं कि तारीखी तौर पर जो कौमें थी वहां पर लड़ाई नहीं हुई। बंगाल, जैसे मैं मिसाल देता हूं, बंगाल ने इस फैसले को रद्द किया क्योंकि हिंदू बंगाली मुस्लिम बंगाली एक नेशन बन चुके थे तारीखी तौर पर। सिंध में किसी एक हिंदू को भी पत्थर किसी ने नहीं मारा, यहां तो यूपी बिहार और जैसे पंजाब को आप देखें। अभी भी मैं यूट्यूब पे देख रहा था, वीडियो देख रहा था कि 70 साल के बाद दो बहनें बिछड़ी हुई एक दूसरे को मिली, एक कनाडा में बैठी हुई है, एक जो है पंजाब में बैठी हुई है, एक सिख बन गई है, दूसरे मुसलमान है। तो सिंधी एक नेशन थे, वो तो जलावतन हो गए ना। सिंधी हिंदुओं ने यह थोड़ी था कि भाई हम जा रहे हैं और हम वहां जाकर, सिंधी हिंदुओं ने थोड़ी कहा जैसे यहाँ कुछ दोस्त कहते हैं हमारे उर्दू बोलने वाले कि हमारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया, हम अपने साथ पाकिस्तान लेकर आए थे। वहां किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हमने हिंदुस्तान बनाया, हम हिंदुस्तान को लेकर, नहीं, उन्होंने कहा हम जलावतन होके आए। हिंदू सिंधी अपनी चाबियां घरों की, कारोबार की, जिन मुसलमान सिंधियों को देकर गए, वो एक घर में भी सिंधी मुसलमान नहीं बैठा। उन्होंने कहा हम वापस आ रहे हैं, ये हालात हैं, कुछ ठीक हो जाएंगे, हम वापस आएंगे। इसलिए सिंधी हिंदू ने जलावतनी इख्तियार की और वहां पर हमारे काफी जो बुजुर्ग जो दानिश्वर थे, उन्होंने कहा कि बाबा हम जलावतन है, हम वापस जाएंगे अपने वतन को। लेकिन पंजाब में क्या था, पंजाबियों को जो नफरत थी कि सिखों ने हमारे ऊपर हुक्मरानी की है, वहां रावलपिंडी में फसादात होते हैं, कलकत्ता में ये जो जना ने उनको कहा कि बाबा अब जो है वो क्या कहा था कि क्या टर्म उसने, तो यानी एक जना के साजिशी इशारों पर वहां जलसा होता है, वहां पर लोगों को इमोशनल किया जाता है, जज्बाती किया जाता है मजहब के नाम पे,
वो जब जलसा वापस लोग जाते हैं तो फसाद शुरू हो जाते हैं बाद में। तो तारीखी कौमों का ये हिंदू और मुसलमान का बंटवारा नहीं हुआ, ये तो पंजाबियों का बंटवारा हो गया जी। असल में तो पंजाब का बंटवारा हुआ। अब मुझे ये बताइए शफी साहब, इस वक्त की जो ग्राउंड रियलिटी है, सिंधु देश की पॉसिबिलिटी कितनी है जिसके लिए आप इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं? देखे, तारीखी कौमें आज़ादी के लिए एक मरतबा अगर फैसला कर लें, दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। पॉसिबिलिटी का ये नहीं कि पंजाब के पास फौज है तो हम आज़ादी नहीं ले सकते। वियतनामी बहुत छोटा सा एक मुल्क है, लेकिन जब उन्होंने वो डट गए तो दुनिया के सुपर पावर को शिकस्त दी उन्होंने। तो कौमें आज़ादी के लिए जब डट जाती हैं, और हम उसूली तौर पर एक कौम है, सिंध हमारा वतन है, अंग्रेज जब आए थे तो एक आज़ाद सिंध वतन के ऊपर उन्होंने कब्जा किया था, हम कोई सूबा वूबा नहीं थे इंडिया के। उस समय बाद में आता हूँ, लेकिन सिंध के अंदर शफी साहब बड़ी तकसीम है। सिंध के अंदर जो अगर पूरी सिंधी कौम खड़ी हो या मजमू तौर पर खड़ी हो तो हमें बात समझ आ सकती है कि स्ट्रगल आगे जाएगी, लेकिन सिंध के अंदर वडेरा शाही है, आपके पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो तो साथ नहीं बैठने को तैयार आपकी इस सिंधु देश की मूवमेंट के साथ। तो ऐसी सूरत हाल में क्या आपको डर लगता है, आवाम की अक्सरियत है क्या आपके साथ? जी देखें, मैं समझता हूँ कि आप ये जो सवाल कर रहे हैं, माजरत के साथ, बुनियादी तौर पर स्टेट की जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है, वो जो डीमोरलाइजेशन करते हैं, साइकोलॉजिकल वारफेयर, ये इस तरह के सवालात रियासत फेंकती है कि तुम आज़ादी कैसे लोगे। वो जो हमारे लोगों को, नौजवानों को उठा कर आए, शायद अंदर टार्चर किया, एक मरतबा शहीद मुजफ्फर भुट्टो को उन्होंने रिहा कर दिया था, और जब भी इन्होंने दूसरी मरतबा किसी को उठाया है तो फिर उसको शहीद कर देते हैं। तो मुजफ्फर भुट्टो से भी यही बात वो करते थे कि भाई तुम्हारे वडेरे भी हमारे साथ हैं, तुम्हारे मौलवी जो हैं वो भी दो कौमी नजरे के पीछे भाग रहे हैं, ये जो उर्दू स्पीकिंग है मुहाजर, ये भी तुम्हारे साथ जुड़े हुए नहीं है, तुम आज़ादी कैसे ले सकते हो। लेकिन दुनिया की कौमें, मैं आपको फिर कहता हूँ, क्या वियतनाम पूरे वियतनाम के आवाम आज़ादी ले रहे थे क्या? दो हिस्सों में बढ़ गया वो तो, या जो दूसरे, तो पंजाब के साथ हमने नहीं रहना, ये कोई हमारा जज्बाती फैसला नहीं है। हमारे पास हिस्टोरिकल ग्राउंड्स हैं, हम एक नेशन है, और ये एक ऐसी, मैं जो आप कहते हैं कि वडेरे उनके साथ हैं, मैं कहता हूँ एक ऐसी रियासत हमारे लिए, तो ये एक वो कहते हैं ना कि गोल्डन चांस है कि हम ऐसी रियासत के खिलाफ लड़ेंगे, सियासी जदोजहद करेंगे, जिनकी कोई इकोनॉमी नहीं है, भीख मांग कर ये मुल्क चला रहे हैं, तो वो क्या लड़ेंगे? फौज क्या लड़ेगी जिनकी इकोनॉमी अपनी नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, कटोरा हाथ में है वजीर आजम को, और पूरी दुनिया से वो भीख मांग रहे हैं। जो कल डॉलर और रियाल के पीछे भाग रहे थे, आज वो येन और लीरा के पीछे भाग रहे हैं, इसका मतलब उनके पास कुछ नहीं है। तो बड़ी फौज ताकत का वो कोई पैमाना नहीं है, फौज और हथियार अगर पैमाना होते तो सोवियत यूनियन जो बिखरता नहीं, तो इनकी बड़ी फौज ही हमारे फायदे में है। ये गधों का लश्कर जो है बगैर इकोनॉमी वाले मुल्क के, ये तो खुद ही इनके गले में पड़ेगा। इसलिए आज़ादी बरहक है, हम लेंगे, और पूरी कौम उठती भी नहीं है। तो इस वक्त आपके साथ तो एमकेएम भी शामिल हो गई, अल्ताफ हुसैन साहब ने भी ऐलान किया आपके साथ इस जदोजहद को आगे लेकर जाने का, तो क्या इस वक्त आपका अलायंस किस सिचुएशन में है, कितनी उसकी स्ट्रगल आगे जा रही है? जी देखे, हमारा आप उसको अलायंस कहते हैं, मैं कहता हूं कि हम एक मौकफ पर मुत्तफिक हैं, जो अलायंस से 10 कदम आगे की बात है कि हम एक नज़रिए पे, और भाई ने अपना तजुर्बा किया, जो भी उनका तजुर्बा था माजी का, यानी एक आबादी थी जो वहाँ हिजरत करके आई, मुस्लिम बैकग्राउंड के बुनियाद पर, एक सेंटीमेंट के बुनियाद पर उनको निकाला, बाहर लाए, फिर वो मुहाजर ये। लेकिन अब जो उर्दू बोलने वाले इंटेलेक्चुअल्स हैं या जो संजीदा लोग हैं, और अल्ताफ भाई उर्दू बोलने वाले उन सिंधियों की पॉलिटिकल क़यादत और लीडरशिप अल्ताफ भाई हैं, ये दूसरे नहीं हैं। तो जब सिंधु देश पर हम मुत्तफिक हो गए हैं,
एक नजरिए और आइडियोलॉजी पर मैं समझता हूँ कि हमारा इस बात पर इत्तफाक करना, ऐसे मैं समझता हूँ कि आधा जंग जो है हम वो जीत चुके हैं, क्योंकि ये पंजाब की साजिश थी कि इनको तकसीम करो, सिंध की सियासी वहदत को तकसीम करो, सिंध की सियासी कुव्वत को लिसानी बुनियादों पर, मजहबी बुनियादों पर तकसीम करो। लेकिन हम यूनाइट हो गए हैं और अल्ताफ भाई के वो कयादत कर रहे हैं, न सिर्फ नुक्ते नज़र पर वो आए हैं लेकिन वो पूरे सिंध की कौमी आज़ादी की जो जदोजहद तहरीक है उसकी वो कयादत कर रहे हैं। लिहाजा ये बहुत बड़ी यानी खबर है जिसको पंजाब और पंजाब की फौज अपने लिए खतरा समझती है, उनकी नींदें हराम है। जब अल्ताफ भाई सिंधु देश की बात करता है तो उस रोज़ जो है वो रावलपिंडी वाले सोते नहीं हैं। तो हम एक नेशन है बाबा, तारीखी हम एक कौम है। दूसरी बात के इंटरनेशनल हालात जो हैं वो भी हमारा फेवर करेंगे और अब कर रहे हैं। जैसे चाइना का जो किरदार है, मैं इस तरह कहता हूं आपके तवस्सत से पूरे पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के भारत के लोगों को और पंजाबियों को मैं खुसूसन कहता हूं कि पंजाबी नेशन का इस वक्त जो किरदार है वो सब कॉन्टिनेंट के लिए मीर जाफर वाला किरदार अदा कर रहा है, इंडिया को लेकर आ रहा है। वी आर द नेशंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, हम बरे सगीर की कौमें हैं, लेकिन चाइना को हिंदुस्तान की दुश्मनी के बुनियाद पर पंजाबी कौम अपनी फौज की मार्फत घसीट कर अगर जो हिंदी महासागर में ला रही है, इससे बड़ी दुश्मनी और गद्दारी और मीर जाफर वाला और कोई किरदार हो ही नहीं सकता। हम हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान का जो नैरेटिव है, क्योंकि चाइना बदमाशी कर रहा है सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं, वो पूरे यानी साउथ चाइना सी को देखें, वहाँ जितनी कौमें हैं वहाँ उन कौमों के गले में पड़ा हुआ है चाइना। चाइना की एग्रेशन, चाइना की जारहियत, चाइना ने ऑक्टोपस की तरह पूरे ग्लोब को, पूरे वर्ल्ड को अपने चंबों में जो है वो थामा हुआ है। तो जब चाइना इस खित्ते में, हमारे रीजन में यहाँ से गुजर कर वो अफ्रीका के उन जो है नेचुरल गैस को पर कब्जा करेगा और वहाँ पर जो क्रूड ऑयल पर कब्जा करेगा, तो ये सारी बातें दुनिया के दूसरे ममालिक को तो गवारा नहीं होंगी ना। तो मैं तो इस तरह कहता हूँ, मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ कि चीन के मद्दे मुकाबल कुवतें जो हैं वो सिंधु देश की आज़ादी के लिए मैं उनको अपना फितरी इत्तेहादी समझता हूँ, भारत को मैं फितरी इत्तेहादी समझता हूँ, अमेरिका को मैं फितरी इत्तेहादी समझता हूँ अपना। तो इसलिए हम कोई अकेले और तन्हा नहीं है कि चाइना ने, पंजाब ने चीन को अपने साथ मिलाया है तो अमेरिका और भारत हमारे साथ है। लेकिन पंजाब ये मीर जाफर वाला जो किरदार अदा कर रहा है, मैं समझता हूँ पंजाब को ये भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, चाइना इस वक्त पाकिस्तान से मिलकर तुर्क इस्लामी खिलाफत की बहाली के लिए, तुर्की, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के तालिबान ये मिलकर उस तुर्क खिलाफत को बहाल कर रहे हैं जिससे तुर्की यूरोप को ब्लैकमेल करना चाहता है और चाइना उस इस्लामी ब्लॉक को अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है। और पाकिस्तान इसमें जो दलाली का किरदार अदा कर रहा है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बहुत कमज़ोर है मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर, अखलाकी तौर पर, यह एक मुकम्मल नाकाम किस्म की रियासत है, बदमाश और दहशतगर्द रियासत है जिसको दुनिया की महजब जो कौमें हैं वो भी बर्दाश्त और कबूल नहीं करेंगी। इसीलिए हम ताकतवर हैं, पंजाब ताकतवर नहीं है। अंदरूनी तौर पर भाई के आने से हम ताकतवर हुए हैं और रीजन में जो पंजाब जो चाइना को घसीट कर लाया है तो चाइना की जो मद्दे मुकाबल कुव्वतें हैं वो हमारी फितरी इत्तेहादी बनेगी। हम ताकतवर हैं और हम सिंधु देश लेकर रहेंगे। आपने कहा आप सिंधु देश लेकर रहेंगे, आपने कहा कि हाँ आप बाहर, भारत भी आपके साथ है और आप एक्चुअली ज़्यादा भारत के साथ हैं, चीन के खिलाफ विरोध करते हैं, ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, मगर भारत के नेशनल एंथम में सिंध का नाम आता है, सिंध उनका हिस्सा है जो इस बात को जाहिर करता है। तो क्या आपकी सिंधु देश किसी इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए है या आप फाइनली चाहेंगे कि भारत के साथ जम हो जाएं? देखें,
मैं समझता हूं कि इस बारे में मैंने पहले भी एक मर्तबा कहा था। पहले तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि सिंधु देश एक अलग वतन और मुल्क रहा है हिस्ट्री में, लेकिन अगर भारत सिंधु देश की आज़ादी के लिए जिस तरह बंगाल में उन्होंने किरदार अदा किया था, और इस तरह अगर वो सिंधु देश की आज़ादी के लिए किरदार अदा करता है, तो हम भारत के साथ सिंध का कन्फेडरेशन करने के लिए तैयार हैं। ये मैंने पहले भी कहा था कि हमें कुछ अपने जो यानी होंगे हुकूक, वो हम अपने हाथों में लेंगे, लेकिन एज अ ब्राड हम भारत के उस यानी सब कॉन्टिनेंट के हिस्से के तौर पर हम भारत में कॉन्फेडरेशन तो कर सकते हैं, अगर भारत सिंधु देश की आज़ादी के लिए हमारी उस तरह की खुलकर जो है वो और सपोर्ट करता है, तो हम इस पर सोचेंगे, इससे हम डिनाई नहीं करते। ये सारी सूरत हाल है, आपने कहा कि इंटरनेशनल जो हालात हैं वो भी एक तरह से सपोर्टिव हैं आपके लिए, और आपके मुताबिक जो पाकिस्तान की आर्मी है वो इतनी मज़बूत नहीं है, पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात कभी भी अच्छे नहीं रहे, अब तो बहुत ही बुरे हैं। इस सारी सूरत हाल में आप इसको कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं समझते, मगर अपनी स्ट्रगल को आप जारी रखेंगे, और भाई के साथ आप मिलने से, अल्ताफ़ हुसैन साहब के आप मिलने से आपको तकवीत का एहसास होता है। इंटरनेशनल लेवल पर या इवन भारत की सतह पर आपको कितना इम्कान है कि इनकी मदद आपको मिल सकेगी? जी देखें, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में भारत सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल एक क्लियर कर बात है, लेकिन सियासी मफादात जो हैं वो जब भी चेंज होंगे, सियासी सिनेरियो जब चेंज होगा, और भारत को एक दिन ये महसूस करना पड़ेगा कि सिंधु देश की आज़ादी इस पाकिस्तानी फासिज्म को तोड़ने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, ये भारत के मफाद में है, क्योंकि अगर तुर्क खिलाफत बहाल करते हैं ये मिलकर, और पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, अफगानिस्तान मिलकर, तो ये बाबा इस्लामी जो खिलाफत होगी ये किसके खिलाफ होगी? पूरी हमारी रीजन, पूरी दुनिया, दोबारा मैं कहता हूं कि मजहबी जो इस्लामी टेररिज्म है, जो फासिज्म है, उसकी लहर दोबारा इस खित्ते में और पूरी दुनिया को जो है वो अपनी लपेट मिलेगी। इसलिए माजरत, इसलिए ये भारत के मफाद में है कि भारत के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं बार बार उनको अपील करता रहा हूं, जो पॉलिटिकल उनकी लीडरशिप है, उनके इंटेलेक्चुअल हैं, कि बाबा पाकिस्तान एक ऐसा मुस्तकिल नफ्सियाती और आइडियालॉजिकल इंडिया दुश्मनी के बुनियाद पर कायम एक गैर फितरी रियासत है, जिसको जब तक तोड़ा नहीं जाएगा उस वक्त तक यानी इंडिया के लिए मुस्तकिल खतरा बना रहेगा। और अब हालात में, मौजूदा हालात में, जब चाइना को पाकिस्तान ग्वादर की मार्फत, अभी कराची और कराची पोर्ट और जो ग्वादर में ये चाइनीज घूम रहे हैं, चाइनीज शिप्स घूम रहे हैं, उनकी नेवी को जो है वो पानियों में, हमारे पानियों में मजबूत कर रहा है पाकिस्तान, जैसे मैंने कहा कि मीर जाफर का किरदार पाकिस्तान और खुसूसन पंजाब जो है वो अदा कर रहा है। इसलिए आज नहीं तो कल इंडिया को एक न एक दिन ज़रूर ये सोचना होगा कि पाकिस्तान जैसी बदमाश और दहशतगर्द रियासत को कमज़ोर करना है, तोड़ना है, तो सिंधु देश को अवश्य उनको आज़ाद कराना होगा, और अगर वो खुलकर और जमकर हमारी हिमायत करते हैं तो सिंधु देश, हम इंडिया के साथ कन्फेडरेशन करेंगे और कुछ इख्तियारात हम अपने पास रखेंगे, बाकी हम बहैसियत मजमूई हिंदुस्तान का जो है वो पार्ट बनने के लिए तैयार हैं। आखिर में कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि जो आप कहना चाहें और हमारी गुफ्तगू में मिस हुई हो, ज़रूर कहें। देखें, मैं समझता हूं कि मैं अपने सिंधी कौम को ये पैगाम दूंगा कि आज़ादी के लिए इस वक्त पंजाब ने हमारे खिलाफ जो एक साइकोलॉजिकल जंग छेड़ रखी है कि भाई उसके पास फौज है और पंजाब ताकतवर है, पंजाब के एटमी हथियार है, पंजाब के पास ये है वो, मेरा ये कहना है कि वो मुआशी तौर पर एक कंगाल किस्म की रियासत बन चुका है, मॉरली ये रेपिस्ट हैं, पंजाबी फौज एक बदमाश और बदकिरदार फौज है जिसके खिलाफ
हमें पूरी कौम को उठकर खड़ा होना होगा और मैं रीजनली इंडिया की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको भी मैं अपील करता हूं कि आप सिंधु देश आपका फितरी इत्तेहादी है, क्योंकि हम तारीखी तौर पर महाराजा डाहर को हम अपना हीरो समझते हैं और जो हिंदुत्व का बुनियाद है, हिंद जो है वो सिंध से निकला हुआ है और जिस तरह मुसलमानों के लिए काबा मुकद्दस है, इस तरह हिंदुत्व के लिए और सब कॉन्टिनेंट के लिए मोहनजोदड़ो की तहजीब, जहां पर वो सिंधु दरिया के किनारे पे हमारे आबाओ अजदाद ने ऋग्वेद को लिखा था, वेदात को लिखा था, हमारी रूट्स, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो तारीख है वो एक है, हम एक इलाके के एक ही खित्ते की कौमें हैं और जब तक हम सिंधु देश को आज़ाद नहीं करते तो भारत भी अधूरा है और सिंधु देश के पास वो आइडियोलॉजी है, वो नज़रिया है जो मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म को, टेररिज्म को अगर कोई फेस कर सकता है तो वो सिंध का जो सूफियज्म है, सिंध की जो आइडियोलॉजी है, सिंध का जो नज़रिया है जो इस वक्त भी पंजाब के साथ नज़रियाती तौर पर हम लोग टकराए हुए हैं, इसलिए हमने आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान को शिकस्त दे चुके हैं, इकोनॉमिकली पाकिस्तान की फौज इस पोजिशन में नहीं है कि वो हमसे लड़ सके। हाँ, हमने अपने आप को मजबूत करना है और इंटरनेशनली जो कुवतें हैं हम उनके साथ बिल्कुल लगे हुए हैं कि यहाँ डिप्लोमेटिकल फ्रंट पर अल्ताफ भाई वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हम जसमम की तरफ से अपना किरदार अदा कर रहे हैं और हिंदुस्तान के खुसूसन जो सिंधी हैं, सिंधी हिंदू, मैं उनको भी कहता हूँ कि वो हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के पास सिंधु देश की आज़ादी के लिए वो वहाँ पर भी केस रखें, वहाँ उनको पॉलिटिकली कायल करें। अगर हिंदुस्तान जम के हमारी हिमायत करता है तो हम कन्फेडरेशन के नाम पर हिंदुस्तान के साथ एक हो सकते हैं। बिल्कुल, आखिर में मैं एक चीज़ मिस मैं कर गया, जो हमारे हिंदू बहन भाई सिंध में रहते हैं उनके साथ जिस तरह का सलूक हम देख रहे हैं और हिंदू बच्चियों के साथ जिस तरह का सलूक होता है, उसके बाद कोई इम्कान नज़र आता है कि हिंदुस्तान को या सिंधी हिंदू जो हिंदुस्तान में बसते हैं उनको पाकिस्तान से कोई खैर की उम्मीद हो सकती है? वो जो हिंदू आपने ख़ास तौर पर शुरू में कहा, वो हिंदू तो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते थे, अब वो जला वतन हो गए हैं, वो हिस्सा शायद पाकिस्तान का नहीं बनना चाहते थे, वो अपने सिंध में ही रहना चाहते थे, तो उस जुल्म व सितम की कहानी को आप कैसे देखते हैं? जी देखें, मैं बिल्कुल आपने जो बात की तो सिंधी हिंदू पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे और क्यों बनेंगे, लेकिन वो सिंधु देश का, सिंधु देश उनका है, सिंधी हिंदू सिंध की अकलियत नहीं है, वो सिंध के मालिक हैं, वो सिंध के वारिस हैं, तो सिंधु देश की आज़ादी के बाद पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, इसलिए सिंधी हिंदुओं को वापस अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी करनी होगी और हम जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि हम कन्फेडरेशन करेंगे हिंदुस्तान के साथ, वो मैं सिंधी हिंदुओं के लिए कह रहा हूँ कि जब कन्फेडरेशन नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनको कोई दिक्कत हो वापस सिंध आने में, सिंध को ऑन करने में, लेकिन जब कन्फेडरेशन करेंगे तो सिंधी हिंदुओं को अवश्य सिंध में आना होगा। रहा सवाल सिंध में जो हालात हैं, तो सिंधी हिंदू हो या सिंधी मुसलमान हो, दोनों के खिलाफ रियासत की साजिशें हो रही हैं और सिंधी मुसलमान भी उसी दोज़ख में जल रहे हैं जिसमें सिंधी हिंदू जो जल रहे हैं, तो पाकिस्तान बुनियादी तौर पर हमारे लिए, सिंध के लिए एक दोज़ख है, उसको हमने ख़त्म करना है और कन्फेडरेशन, ये सिंधी हिंदू सुने जो इंडिया में बैठे हुए हैं, हम आप लोगों की वजह से भारत के साथ कन्फेडरेशन करेंगे अगर भारत सिंधु देश की आज़ादी के लिए इस तरह हमारी मदद करता है जैसे उसने बंगाल में किरदार अदा किया था। बहुत शुक्रिया शफी वफ़ाद साहब, आपके ख्यालात सुनने का मौका मिला और खुलकर आपने अपना मौक़ बयान किया और हम भी चाहते थे कि मकम्मल तौर पर आपका मौक़ सुने समझें और हमारे व्यूअर्स भी चाहते थे कि ये जो सिंधु देश की बात होती है और जीए सिंध मुतहदा महाज की स्ट्रगल है, ये आफ्टर ऑल है क्या? हम कैंडिड तरीके से, बिला तकल्लफ तरीके से बातचीत समझें सुने। आज हमने अपने यूके टॉक शो में इस बात को समझा। बहुत शुक्रिया आपसे गाहे बगाहे हम इस नाजुक और बहुत ही सेंसिटिव इशू पर आपका मौकफ लेते रहेंगे। परवा, परवा, परवा।
व्यूअर्स, आपने बातचीत सुनी जनाब शफी बरफाज साहब की, जो जीए सिंध मुतहदा महास के चेयरमैन हैं, और उन्होंने अपनी बातचीत खुलकर बयान की, बिला तकल्लफ अंदाज में बयान की, बग़ैर ढके छुपे अपना मौक़िफ़ बयान किया। और हम सब के लिए जानना ज़रूरी है कि आफ्टर ऑल जो तहरीकें चल रही हैं वो क्या चाहती हैं, उनका क्या स्टैंड है। आज का यूके टॉक शो ताहिर गोरा के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। टेक टीवी यूके टॉक शो, लंदन डायलॉग एंड डिस्कोर्स, एवरी ट्यूसडे नाइट 7 PM UK टाइम।